एक तू सच्चा पार ब्रह्म परमेश्वर की असीम कृपा से मंच पर आसीन हमारे ऋषि आत्माओं के अनुग्रह से त्रेता युग के ऋषि श्रृंगी ऋषि की परंपरा के अंतर्गत हम लोग भी अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। यानी हम भी उसी परंपरा से जुड़ गए हैं और ये हमारा सौभाग्य है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म,
तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म स्वरूप उस गुरु के चरणों में बार 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 प्रणाम है, जो हमारी आंखों को खोलता है, ज्ञान का प्रकाश हमें प्रदान करता है। उस गुरु परमात्मा स्वरूप गुरु की जितनी वंदना करें कम है। गुरु गूंगे, गुरु बाबरे, गुरु देवन के देव। गुरु गूंगे, गुरु तो कुछ कहते ही नहीं, चुप बैठे रहे। मैं अपना कोई कुछ भी कर करो भैया, परमात्मा भी ऐसा ही है, चुप बैठा रहता है। किसी को आसमान में से झांक के कुछ नहीं कहता, लेकिन जिसके कर्मों का फल जब मिलना होता है उनको स्वयं ही मिल जाता है। चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, आज अमावस्या का ये पावन दिवस गुरुगद्दी दरबार फुलसंदा के लिए ऐतिहासिक दिवस है। चारों वेदों का ये अनुष्ठान हमने परमेश्वर परम ब्रह्म की कृपा से, अपने महान देव पुरुषों की कृपा से, ऋषि गणों की कृपा से जो उपस्थित हैं, ये हमने आज पूर्ण किया है। ओम सर्व पित्राय नमः, सर्व देवाय नमः, पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः। इन देव स्वरूप पुरुषों को प्रणाम है, पितर गणों को प्रणाम है। ओम शन्नो मित्रः, शन्नो वरुणः, शन्नो भवत अर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णु रुद्रमः। वो परमात्मा जो हमारा मित्र है, हमारा पितर है, हमारा सर्वस्व है, कण कण में व्यापक है, जब जब हम उसका स्मरण करते हैं तब तब हमें शांति और कल्याण की प्राप्ति होती है। अथर्ववेद का मंत्र है, ओम प्रियम्मा करणो देवेशु, हे परमेश्वर मुझे देवगणों का प्रिय बना। देवताओं के प्रिय हम कब बनेंगे? जब हमारे आचरण देवताओं जैसे होंगे। प्रियम राजसु मां करणो, राजाओं में, राजपुत्रों में उनका मुझे प्रिय बना। प्रियम सर्वस्य पश्यन्त उत शूद्र उतारिये, सभी दृष्टि रखने वालों का मुझे प्रिय बना। चाहे कोई श्रमिक हैं, चाहे राजा हैं, समाज का जितना भी वर्ग है वो सब मुझे प्यार करे। और दूसरों का प्रेम हमें कब प्राप्त होता है? जब हमारे सुंदर आचरण होते हैं, शुभ कर्म होते हैं। अगर हमारे आचरण शुद्ध नहीं है, दुराचरण है हमारे अंदर, तो जो हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, भाई हैं, वो भी हमें प्यार नहीं करते, दुत्कार के घर से बाहर कर देते। परिमितम भूतम, जो बीत गया अच्छा या बुरा वो तो सीमित है,
जो बीत गया उसका बार बार आलाप मत करो, प्रलाप मत करो। कुछ कमियां कुछ गलतियां जो हुई है उन्हीं को दोहराते मत रहो। अपरिमितम भव्यम, जो भूतकाल चला गया वो तो चला गया, जो भविष्य है वो अनंत है, अनंत है। अनंत कैसे है? इस जीवन के बाद दूसरा जीवन है। अगले जन्म है, ये यज्ञ परमेश्वर की कृपा से हमारा सफल हुआ है। इस यज्ञ के बीच में बहुत से हमारे सत्संगियों को, देवताओं को और हमारी बहनों को दिव्य दर्शन भी हुए हैं, उनकी सूचनाएं भी हमारे पास आई हैं। उनमें से कुछ का वर्णन मैं करना चाहता हूं। सूक्ष्म रूप से देवगण वहां उपस्थित रहते हैं। कल ब्रह्मा जी ने कहा था यह देव सदन है, देव सदन, जहां परमात्मा की वाणी गाई जाती है, पढ़ी जाती है, उन मंत्रों से यजन किया जाता है, वहां देवगण उपस्थित होते हैं। एक तो आपके रूप में है, एक सूक्ष्म सत्ताएं हैं, सूक्ष्म सत्ताएं जो दूसरे लोगों से आकर के यज्ञ में स्थित होती है। कुछ भाग्यशाली लोग उनको देख पाते हैं। यज्ञ के प्रथम दिन देखा गया जो आदि ब्रह्मा है, वो यहाँ पे ऊपर के स्थान में विराजमान, प्रकाश हो रहा है और वो विराजित है ब्रह्मा। आदि गुरु आदि पुरुष उसके पश्चात जगन्नाथपुरी के जो देवता हैं नील माधव विष्णु, उनका वर्णन करना मैं आवश्यक समझता हूं। उन्होंने ही मुझको आदेश दिया था जब हम जगन्नाथपुरी गए थे, तुम वेदों को गाते तो हो, जगह जगह से गा रहे हो, कभी कोई सूक्त गा दिया, कभी कोई मंत्र गा दिया, इस तरह से नहीं, विधिवत शुरू से लेके आखिर तक इसका गायन करो। और वे इस यज्ञ में 5 तारीख में उपस्थित हुए, आज 9 है, 5 तारीख में वो उपस्थित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए। और यज्ञ का जब दूसरा दिन चल रहा था तो रात्रि में यज्ञ समाप्त हो गया, रात्रि में यहां गंधर्व लोग, देव गंधर्व, ये सब बातें ऐसे नहीं देखती सूक्ष्म दृष्टि से या भाव जगत में, या हमारा सूक्ष्म चेतन जब उस सूक्ष्म जगत में पहुंचता है तो दिखाई पड़ता है। 10-12 देव गंधर्व, किसी के हाथ में वीणा है, किसी में बांसुरी है, किसी के हाथ में मजीरा है, वे नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं। सामवेद के मंत्रों को उन्होंने गाया और एक हिंदी में कुछ उन्होंने अनुवाद करके गाया, वो अनुवाद मैं आपको सुना रहा हूं। ये जीवन भी हमारा यज्ञ के समान है, संपूर्ण जीवन। और हमारी माताएं तो प्रतिदिन घर में 3-3 बार यज्ञ करती हैं। माताएं हैरान होंगे, गुरु महाराज तो बेकार में हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हम कब यज्ञ करते हैं? सुबह को आग जलाते हैं, भोजन बनाते हैं, जठराग्नि में जाता है, दोपहर में भोजन बनाती हैं, शाम को भोजन बनाती हैं, बीच में कोई मेहमान आ गया उसके लिए भोजन बनाती हैं। ये यज्ञ नहीं तो क्या है? तो वे देव गंधर्व जो गा रहे थे हिंदी, हिंदी उसकी मैं बता रहा हूं,
और इससे पहले एक बात और, शायद मैं भूल जाऊं फिर बीच में, हमारे पूज्य ब्रह्मा जी के वचन, ओहो क्या बात, क्या व्याख्या, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। एक एक मंत्र का उल्लू मत बन जाना, अंधेरे में अज्ञान के प्रिय मत बन जाना, भेड़िए की तरह खूंखार मत बन जाना, दूसरों को नोच खचोट के खाने वाले, कुत्ते की तरह आपस में बैर मत करना, क्या मंत्र है, क्या बात है। चकवे की तरह भोग विलासी मत बनना, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। ईष्टावास्यम वेदम, इस जगत के कण कण में ईश्वर है, ये धन किसका है, किसी का भी नहीं, उस परमात्मा की ये सत्ता है, ये जगत है, ये संपदा है, उसी को अर्पित करना। दूसरे हमारे शास्त्री सोहित जी, ओहो होठों से रस टपकता है तो नेत्रों से मधु रस टपकता है, होठों से रस, नेत्रों से मधु रस, और मैं तो कहूंगा ये है हमारे मधु छंदा, मधु छंदा। और अपने अमित शास्त्री उनका तो जवाब है, क्या आवाज है, और हमारे छोटे शास्त्री अजय, क्या कमाल है, इतनी छोटी उम्र में और इतने संस्कृत के, और वो भी वैदिक संस्कृत, इतने लंबे लंबे, मतलब यहां से लाइन खींची वहां तक, और इतनी द्रुत गति में पढ़ रहे, पढ़ 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 पढ़, बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल है। एक वेद मंत्र को भी आप पढ़ के देखना, बुद्धि कुंठित हो जाएगी, हाय इसे कैसे पढ़ो। दो तीन एक पन्ना पूरा पढ़ नहीं सकते, बंद करके रख दोगे, हे भगवान ये वेद, और कितनी कुशलता से इन्होंने उसको पढ़ पढ़, धन्यवाद के पात्र। बोलो सतपुरुष बाबा पुरुषते वालों की जय। उससे भी ज्यादा हमारे हनुमान, इनको यजमान बनने का सौभाग्य तभी प्राप्त हुआ जब इनका विवाह हो गया। बोलो सतपुरुष बाबा पुरुषते वालों की जय। उससे पहले ना ये वेदों का यजन यज्ञ का क्रम चला, और ना परमेश्वर इसीलिए इस समय के लिए रुका हुआ था कि कब हमारे हनुमान जो है ग्रस्त में प्रवेश करें। जैसे हमारे प्राचीन हनुमान है ऋषि, उनको प्रणाम, चारों वेदों के ज्ञाता, और उनका भी विवाह हुआ था जब जरूरत पड़ी थी इस प्रकार के। उनकी पत्नी का नाम था सुवर्चिला और उनका पुत्र था मकरध्वज। 40 वर्ष के उपरांत उनका विवाह हुआ, 40 वर्ष के बाद। वो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, शिव के शिष्य थे, शिव ने कहा यज्ञ नहीं करोगे क्या, ये नहीं करोगे क्या, वो नहीं करोगे क्या, गुरु की आज्ञा। और इतना अच्छा वो हमारे पुराने वाले प्राचीन हनुमान गाते थे, ये नाचते बहुत अच्छा। बोलो सतपुरुष बाबा पुरुषते वालों की जय।
एक बार एक गंधर्व आता था वहां वीणा बजाने भगवान शिव के यहाँ, उससे कहा भाई अपनी वीणा दे दे। बोले क्यों दूं भाई, अपनी वीणा दे दे, क्यों दूं? तो एक दिन उस पे कुछों से वार कर दिया हनुमान जी ने और कहा चुपचाप बैठ जा, शिकायत मत करना शिव से और मैं आज वीणा पे सुनाऊंगा। बोले ठीक। तो कुछ कुछ वही गुण हमारे आधुनिक हनुमान जी में भी हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनको ये सौभाग्य मिला है और हमारा भी सौभाग्य है कि ये हमारे चार यज्ञ। तो मैं आपको थोड़ा सा वो सुना रहा हूं जो वो देव गंधर्व गा रहे थे, उसकी हिंदी जितनी मुझको समझ में आई। जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट न कोई आए। जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट न कोई आए। शुभ चिंतन की ज्योति हमेशा तुम्हारे हृदय में लहराए। ब्रह्म चिंतन की ज्योति हमेशा तुम्हारे हृदय में लहराए। वो अमृत पुरुष तुम पे अमृत धाराएं बरसाए। जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट न कोई आए। काम क्रोध तो पशु हैं इनको, रसों से बांध के रखना। पुरुष सूक्त में आता है कि देवगणों ने पशु की भावना की पुरुष में, यानी जो हमारे भीतर अवगुण है पशु रूप है इनको जो निबद्ध करके रखता है, बांध के रखता है, वो बहुत मुसीबतों से बच जाता है। नहीं तो हमारे घर के जानवर ही हमारे पेट में सींग करके और पेट को फाड़ा डालते हैं। काम क्रोध तो पशु हैं इनको, रस्तों से बांध के रखना। मन इंद्रियों के घोड़ों को हमेशा, सच के रस तो पे रखना। जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट न कोई आए। ये पितरगणों का आशीष है, ये ऋषि आत्माओं का आशीष है, ये देवगणों का, ऋषियों का, पितरों का आशीष हम मनुष्यों के लिए। देवा यज्ञतम तन्वानावद्धम पुरुषम पशु। इन पशुओं को देवगण जैसे पुरुषों ने बांध के रखा। साधारण मनुष्य इनको नहीं बांध सकते। साधारण मनुष्य तो ऐसे हैं बैल की तरह घूम रहे हैं और उनके चंडाल सवार है बैल के ऊपर। बैल संसार की घाटियों में घूम रहे हैं और उनके चंडाल काम क्रोध रूपी चंडाल, कहां उनको ले जाके मारे कुछ पता नहीं। और जो बैल शिव की शरण में पहुंच गया, शिव परमात्मा, वो पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, क्योंकि वो शिव को अपने ऊपर वहन करता है।
जो अपने मस्तक पर हमेशा उस परमात्मा को धारण किए रहते हैं, वे उस परमात्मा के वृषभ हैं। सुख की वर्षा संसार में बरसाने वाले वृषभ, नंदी आनंद को बरसाने वाले ऋषिगण। जीवन नदी तो हमेशा भयंकर रूप में बहती है, लोग टकराते पत्थरों से, आत्मा घायल बनी रहती है। ऐशमनवती रियते ऋग्वेद का मंत्र बहुत सुंदर। ये संसार रूपी नदी है जिसमें नुकीले पत्थर पड़े हुए और हम मनुष्य उसमें टकराते रहते, काम क्रोध और विषय विकार के ये पत्थर। जीवन में दुख संकट आते पर धीरजवान पार हो जाते। एक मंत्र आता जिसमें अनडवान, परमात्मा को अनडवान कहा है, वो गाड़ी लिए नदी के इधर इस पार खड़ा है, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, ये धर्म आचरण की गाड़ी, धर्म रूपी गाड़ी। और इसमें भी बैठने वाले, जब ये गाड़ी नदी में चलती है, पत्थर ऊपर नीचे पहिए इसके होते हैं, तो बैठने वाले आपस में टकराते, उनके भी कंधे और सिर एक दूसरे से टकराते, बैठे हैं यज्ञ में। गुदवाते रहते हैं, क्रोध में भर जाते हैं, कहेंगे जरा इधर को बैठ, तेरी ये हिम्मत, मुझे कह रहा है इधर को बैठ, जानता नहीं। क्रोध, क्रोध के बादल उठते हैं, लोभ के बादल उठते हैं, भीगते हैं ऋषि मुनि तक भी जब दुख के मेघ गरजते। बोलो सतगुरु बाबा प्रसन्ने वालों की जय। जीवन में दुख संकट आते धीरज वान पार हो जाते, सतपुरुषों की संगति वाले प्रभु के मित्र कहलाते। जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट कोई ना आए, वो अमृत पुरुष परमात्मा तुम पे अमृत धारा बरसाए। और अब वाणी, वाणी वो अंग स्पर्श करते ना, ओम वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्र श्रोत्र। सबसे प्रथम है वाक, वाणी, और ई की मात्रा हटा दो तो क्या होगा, बाण, बाण, वाणी और ई की मात्रा हटा दो, ई ई माने ईश्वर स्तुति करते रहेंगे तो वाणी वाणी बनी रहेगी, नहीं तो ये बाण बन जाएगा। बोलो सतगुरुज बाबा पुकारने वालों की जय। वाणी को संभाल के रखना, कहीं बाण ना बन जाए, मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रहते हुए इस आत्मा का निग्रह करो। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मन को प्रसन्न और कोमल चंद्रमा सा शीतल रखो। वाणी को संभाल के रखना, कहीं बाण ना बन जाए, तिरछी बातों से किसी का दिल घायल ना हो जाए। जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट कोई ना आए। यजुर्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें 6 मंत्र और आगे बढ़े हुए हैं, अतिरिक्त है। उत्तर नारायण सूक्त उसको कहा जाता है या पुरुष सूक्त,
वेदाहमेतं पुरुषं मान्तम्। कुछ मैंने याद कर लिए हैं, वैसे कोई मैं विद्वान व्यक्ति नहीं। जो मंत्र बहुत अच्छे मुझको लगे वो याद कर लिए। याद भी नहीं है, कागज पे लिखने पड़ते। मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए आपको सुना रहा हूं कि आप भी उसमें सम्मिलित हो। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्य वरुणं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। उस पुरुष ब्रह्म को जानना है। ऋषि कहते हैं हमने जान लिया है, हमने देख लिया है, हमने उसका स्पर्श कर लिया है। वो आदित्य वर्ण जैसा, सूर्य की चमक जैसे चमक उसकी है, उस आदि पुरुष परमात्मा की। और वो माया अज्ञान अंधकार तम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस के पार जाना है तो उसकी आराधना हमें करनी है। तमेव विदित्वा ते मृत्यु में ते नान्यः पन्था विद्यते अयनान, मोक्ष की तरफ जाने के लिए यही मार्ग है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं। मृत्यु से पार होने का यही रास्ता है। और ये जगत कल्प तरु है, परमात्मा से उत्पन्न है तो परमात्मा का ही अंश है। वो परमेश्वर कल्प तरु है और हम लोग कल्प तरु के नीचे बैठे हैं। जैसी हम कल्पना करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। दो तीन दिन पहले ब्रह्मा जी ने हमें बताया, इस कल्प तरु के नीचे तुम सुंदर कल्पना करना, देव पुत्र शिव पुत्र ब्रह्म पुत्र जीवन में तुम बनना। हम देव पुत्र बने, शिव माने परमात्मा के पुत्र बने, ब्रह्म पुत्र बने। कहीं फूल संदे वाले बाबा अशुभ चिंतन मत करना। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के ये मत सोचना कोई कुत्ता ना आ जाए, मुझे काट ना ले। कुत्ते बहुत घूम रहे, कोई ना कोई आ ही जाएगा, काट लेगा। कुत्तों का चिंतन मत करना, परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना। यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा में, एक उपनिषदों की श्रृंखला में आता है स्कंद उपनिषद, भगवान शिव के पुत्र जो कार्तिक स्वामी है उनका उपनिषद। छोटा सा उपनिषद है, 15 मंत्र हैं उसमें, लेकिन एक एक मंत्र मैंने याद कर रखा है आपको सुनाने के लिए। मैंने पहले ही बता दिया मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत सीधा साधा गांव का एक, क्या कहूं, ना समझ कह लीजिए, कम समझ कह लीजिए। गांव में पैदा हुआ, आज भी गांव में ही रह रहा हूं। तो उनका एक मंत्र है कार्तिक स्वामी का, बहुत दिनों से मैंने याद कर रखा है। स एव ही ज्योति श्याम ज्योति, परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति। इसका विचार आप और हम बार बार करें। स एव, वो स माने वो परमात्मा, स एव ही
ज्योति श्याम ज्योति वो ज्योतियों के भी ज्योति है। स एव ही परमेश्वरः वो ही परमेश्वर परम ब्रह्म है। स एव ही परम ब्रह्म वो ही परे से परे परे से परे परे से परे परे से परे जहां हमारी बुद्धि नहीं जाती चिंतन नहीं जाता वो परमात्मा है। और अंतिम इसकी पंक्ति आप सुने तद ब्रह्मा हम न संशय। वो परम ब्रह्म कौन है कहां है मैं ही हूं। और ये मैं कौन है उंगली नहीं चोगा नहीं नाक और केवल आंख नहीं मट्टी नहीं पानी नहीं हवा नहीं जहां न सूर्य चमकता है न चंद्रमा चमकता है न तड़ित विद्युत चमकती है बिजली कड़कती है न अग्नि की तो बात ही क्या वहां ये अपने प्रकाश से आप ही प्रकाशमान होता है। ये स्वयं भू परम ब्रह्म परम आत्मा। और ये कहां है यही है इसी आत्मा। पेड़ का बीज कहां है जिससे ये पैदा हुआ था जड़ में दिखाई नहीं देगा वो तो उसका मसाला बढ़ते 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 वृक्ष हो उसी बीज का ये रूपांतर उसी परमात्मा का रूपांतर हम लोग हैं। ये जगत है संसार है वेदांत उपनिषद ऐसा कहते हैं। अगर परमात्मा निराकार है तो हम उसके शरीर हैं। बाबा प्रसन्न वालों की जय। ऐसा चिंतन हम इस कल्पतरु के नीचे बैठ के करें तो हम वैसा ही हो जाएंगे जैसा हमारा चिंतन है। हम ऐसा चिंतन ना करें हाय हमारा तो कोई नहीं तो कोई भी नहीं होगा। जो तुम सोच रहे वो तुम्हारे लिए सत्य हो जाएगा। हाय मैं तो बहुत बुरा हूं नहीं हो तो हो जाओगे ऐसा सोच क्यों रहे हो। हम बुरे कैसे हो सकते हैं अभिमान की बात नहीं है ये परमात्मा के हाथ की कलाकृति है। मनुष्य देवता वृक्ष सब कुछ एक एक वस्तु को एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने बनाया और उसकी बनाई हुई कृति को कहने लगे तू तो बहुत बुरा तू तो है ही बुरा। तो ये हम उस प्रभु का अपमान कर रहे हैं। तद ब्रह्मा हम न संशय। इस मंत्र को आप लोग भी याद कर लें स एव ही ज्योति श्याम ज्योति वो परमात्मा ज्योतियों के भी ज्योति स एव ही परमेश्वर स एव ही परमेश्वर वो ही परमेश्वर स एव ही परम ब्रह्म वो ही बुद्धि से परे परे से परे परे से परे परा विद्या से जाना जाने वाला ईश्वर परम ब्रह्म परमात्मा। और वो कहाँ है वो कौन है वो क्या है आखिरी वचन में इसका निचोड़ है तद ब्रह्मा हम वो मैं ही हूं। इस बात पे विश्वास करो अपनी आत्मा में ये परम ब्रह्म परमात्मा हमारी आत्मा में बैठा हुआ है। और आज के वक्त में जो योग की बात लोग करते हैं कुंडलनी जागरण हो रहा है नेट पे कितनी तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में अभी जो पूर्ण हुआ है आज उसमें मैंने देखा था 191 सूक्त हैं जी 191 हैं तो उसमें 189 नंबर का जो सूक्त है 3 मंत्र हैं उसमें थोड़ा सा बता रहा उस सूक्त के ऋषि हैं सारपराज्ञी कोई ऋषि का है माता है देवता है सूर्य और छंद है निचरत गायत्री स्वर है सड़च
ओम आयम गह प्रश्न निरक्रमेण सदन मातरम पुरः पितरम च प्रयत्न स्वः। जागृत होने पर यह कुंडलनी नीचे से ऊपर को गति करके ज्योति के संपर्क में आती है। प्राणायाम से ऊष्मा प्राप्त करके कुंडल को तोड़ के ऊपर की तरफ दिव्य ज्ञान को प्राप्त करती है, प्रभु का दर्शन करती है। शरीर मेरुदंड के निचले हिस्से से ऊपर को आती है। जो लोग वेदों की निंदा करते हैं, वेद में तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसा कहते हैं। वेद कहे हम एक ना जाने कि वेद कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं जाने। वेद का एक भी पन्ना पढ़ा नहीं है और कुछ का कुछ कहना शुरू कर देते हैं। लाखों बरस पहले ये विज्ञान हमारे यहाँ था। जो अष्टांग योग है भगवान शिव ने पतंजलि ऋषि को प्रदान किया। अंतश्चरते रोचना यस्य प्राणादपानते व्यक्षण महेशो दिवम। आगे अगले मंत्र में ऋषि कहते हैं, इस कुंडलनी शक्ति के भीतर प्रभु की दीप्ति का प्रकाश होता है, शक्ति का संचार होता है। प्राण अपान को सम करके बराबर करके साधक सोम में उस परम ब्रह्म को देखता है। बराबर सांस खींचना, बराबर छोड़ना, इस त्रिन शब्दां विराजति वाक पतंगाय धीयते प्रति वस्तु रहत्यो भी। साधक महीने के 300 दिन हर घड़ी इस ज्योति से चमकता रहता है, प्रकाशवान रहता है। सूर्य के समान ये ज्योति ये सारे जगत को धारण करती है। ये आत्मा का वास्तविक रूप है जिसमें वो परम ब्रह्म समाया हुआ है। जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट ना कोई आए, जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट ना कोई आए, ब्रह्म चिंतन की ज्योति हमेशा तुम्हारे हृदय में लहराए। वो अमृत पुरुष परमात्मा तुम पर अमृत धाराएं बरसाए। थोड़ी सी बात और कहनी है, आप बहुत देर से बैठे हैं, थक जरूर गए होंगे, पर मैंगो शेक वगैरह आपका इंतजार भी करता है। बोलो सतगुरु बाबा पुरसंदे वालों की जय। यज्ञ का सफल होना कोई आसान बात नहीं होती। घर में कोई कारज हो, शादी हो, ब्याह हो, सैकड़ों आफतें उसी वक्त खड़ी होती। हाय चाचा चाचा क्या है, समर सेगल फेल हो गया, उसी दिन फेल हो गया। चाचा चाची ने जहर खा लिया, उसी दिन। अरे भैया सुनो, बिजली के खंभे में आग लग गई, उसी दिन। अरे मामा मामा क्या बात है, क्या बात है। अरे लड़कों ने आपस में लड़ाई कर दी, एक दूसरे के सिर फोड़ दिए। ये सब होता है जब हमारे घरों में कोई उत्सव होता है और आधे रिश्तेदार हमारे असहयोग आंदोलन पे बैठ जाते हैं। हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, तुमने 3 साल पहले हमें ये बात कही थी, तो अब हम उसका बदला तुमसे लेंगे, हम आएंगे ही नहीं। राजा नहुष 101 यज्ञ करके स्वर्ग में पहुंचे और वहां जाके आसक्त हो गए किस पे, इंद्राणी पे। कामाचार पहला बाण काम का,
स्वर्ग से गिर गए। सप्तऋषियों से अपनी पालकी उठवाई, उन्होंने श्राप दिया और नीचे गिर गए। और आज भी उनका स्थान गढ़मुक्तेश्वर में बना हुआ है, आप जाएं तो देखना। नहुष की बाबरी तालाब से वहां उन्होंने साधना करी, पता नहीं क्या क्या किया, तब जाके कहीं प्रायश्चित थोड़ा बहुत हुआ। क्रोध, अब यज्ञ में क्रोध की बात को सुने। जन्मेजय यज्ञ करने जा रहे थे और उनके यहाँ देवताओं की कुटिया शर्मा के पुत्र वहां आए। देवताओं की कुटिया, ये एक उपालंब है, अपमानजनक शब्द किसी स्त्री के लिए, जो अपने समाज को छोड़ के देवताओं के समाज में चली गई थी, तो वे लोग उसको देवताओं की कुटिया कहने लगे अपमानित करने के लिए। उसके दो पुत्र जन्मेजय का यज्ञ देखने आए, तो जन्मेजय के जो पुत्र थे उन्होंने उसको पीट दिया, उन दोनों लड़कों को। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम देवताओं की कुटिया के लड़के हो, यहाँ क्या करने आए, चलो। अब उसे पता चला शर्मा को, जिसको देवताओं की कुटिया कहकर लोग अपमानित कर रहे थे, वो आई, कहा जन्मेजय सुनो, तुम मुझे देवताओं की कुटिया कहते हो, लेकिन देवता की कुटिया में भी कितना असर होता है वो तुम देख लो। तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा और ऐसी आफत आएगी तुम पे कि उसका कोई समाधान नहीं कर पाएगा। जन्मेजय ने बहुत अच्छे कोशिश की कि मुझे कोई अच्छे वृद्ध ऋषि मिल जाएं या यज्ञ मिल जाए, यज्ञ कराने वाले, पर मिले नहीं। आठ नए नए उम्र के लड़के मिले और वे मंत्र कम पढ़ें और हंसी ठिठोली ज्यादा करें, बीच में हंसी मजाक करने लगे और मंत्र की आहुति बंद हो गई। उसको बड़ा क्रोध आया राजा को और उसने आठ ब्राह्मण पुत्रों के सिर काट दिए। आठ प्रकार का कोड राजा जन्मे को हो गया, ये यज्ञ में क्रोध करने का फल उसको प्राप्त हुआ। लोभ काम क्रोध, दो बातें तो आपने सुन ली, अब लोभ की बात सुनिए। यज्ञ में श्रीलंका में उस समय महादेव शिव राज्य करते थे। पार्वती के कहने पर उन्होंने सोने की एक महल बनवाया, सोने की लंका, और वहां यज्ञ करने के लिए पुलस्त मुनि को और उसके परिवार को बुलाया। यज्ञ पूर्ण हुआ, दक्षिणा देने का नंबर आया, तो उनके पुत्र थे विश्रवा और पौत्र था रावण। उन्होंने कहा हमें तो दक्षिणा में ये सोने का महल दे दो, शिव तो अपना देने में कुछ भी ले लो। बोले चलो, स्वस्ति दिया। पार्वती ने सोचा ये सोने का महल भी हाथ से गया। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण, तुम रात दिन लोगों को उपदेश करते हो, माया में मत पड़ो, माया में मत पड़ो, माया में मत पड़ो, लोभी मत बनो, लोभी मत बनो, लोभी मत बनो, तो जैसा पाखंडी और लोभी तो कोई देखा ही नहीं। इस महल में तेरा परिवार भी रहेगा नहीं, तेरा वंश नाश होगा। औरतों के हृदय से निकले हाय खाली नहीं जाते, इसलिए महिलाओं की कभी हाय नहीं लेनी चाहिए। पार्वती ने श्राप दे दिया। और आपको पता है कितने दिन वो सोने की लंका में रही और कैसे थूकी और कैसे मरी। मोह, काकभुषंडी, हमने सुना है जो ब्रह्म ऋषि हमारे थे कृष्णदत्त ब्रह्मचारी, उनके प्रवचनों में हमने सुना है, उन्होंने 12-12 वर्ष के चार अनुष्ठान किए थे काकभुषंडी। और उसी समय की कोई बात रही होगी कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर डाला, मोह में आके, अज्ञान में आके। गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, गुरु तो गंभीर शांत, कोई बात नहीं, लड़का है, कम बुद्धि है, सुधर जाएगा। रोज ये काम हो गया तो शिव एक दिन प्रकट हो गए, कहा तू गुरु का अपमान करता है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म,
परम ब्रह्म का स्मरण करते हैं। तिरसूल उठाया मारने को, गुरु ने पैर पकड़ लिए, महादेव के प्रभु प्रभु प्रभु। तब माया बस जीव जड़ संतति फिरत भूलान, इस पर क्रोध न कीजिए करुणा सिंध भगवान। आपके क्रोध से पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये बच्चा तो मूर्ख है, ना समझ है अज्ञानी। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। और आखिर में उन्होंने कहा, न जानामि योगम जपम न पूजाम न त्वम सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम जरा जन्म दुख गेता तप्यमानं प्रभु पाहि अपन नमामि शंभु प्रभु। इसको क्षमा 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 कदा दे दीजिए। बोले नहीं, जो शराब मैंने दे दिया, इसको 10,000 साल तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। कौवा सांप भेड़िया वृक्ष लता ये सब बनेगा 10,000 वर्ष तक। पर तुम्हारी वजह से मैं इसको वरदान भी देता हूं, 10,000 वर्ष के पश्चात जो इसको शरीर मिलेगा, इसको ब्राह्मणी आत्मा प्राप्त होगी, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान इसको होगा और ये अजर अमर होगा। और आज भी प्रभु काकभूषणी हमारे ऋषि उत्तराखंड में मेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान है। और भी ऋषि उनके साथ हैं, सतयुग का लेने वाले भी हैं, चिरंजीवी ऋषि हैं, और भी हैं बहुत सारे। इंद्र ने अपने पुरोहित विरूपाक्ष का सिर काट दिया, उसको ब्रह्महत्या लग गई, स्वर्ग से निष्कासित हो गए। एक बार गुरु बृहस्पति आए, इंद्र ने उठ के नमस्कार नहीं किया, स्वागत नहीं किया, उन्होंने भी श्राप दे दिया, तेरी बुद्धि खराब हो गई, गुरु तक को नमस्कार नहीं करता, मोह अज्ञान। फिर अभिमान की बात सुनिए, प्रजापति दक्ष अभिमान और दुर्बुद्धि के कारण अपनी ही पुत्री सती और अपने दामाद शिव का इतना अपमान किया, इतना किया, इतने दुर्वचन बोले सती को भरी सभा में, यज्ञ कुंड में कूद के मर गए। शिव को पता चला, उन्होंने आके यज्ञ भंग कर दिया, किसी का सिर काटा, किसी की दाढ़ी उखाड़ी, किसी का हाथ तोड़ा, कुछ का कुछ कर दिया, मृत्यु का तांडव वहां पे हो गया। उद्यालक ऋषि ने यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ, और सब कुछ दान कर दिया, बूढ़ी गाय भी दे दी, जो नहीं देनी चाहिए वो भी दे दी। हम भी एक गाय अपने ब्रह्मा जी को अर्पित करना चाहते थे, इन्होंने कह दिया हम कहां रखें, वो हमारी इच्छा पूर्ण रह गई। तो उन्होंने अपनी मरी खीरी गाय भी सब दान कर दी। और उनका पुत्र था नचिकेता, कहा मुझे किसको दोगे, कहा यमराज को, चले गए। और वो वरदान साबित हुआ, कठोपनिषद में प्राप्त हुआ यम और नचिकेता की वार्ता से। और ये स्थान कहाँ है, आप जाना चाहें तो जरूर जाएं, हम गए थे वहां, उत्तरकाशी से 35 किलोमीटर दूर चौरंगी नाथ, और वहां से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा, वहां पर नचिकेता ताल है जहां ये स्थान है। वहां पर मृत्यु के देवता यम ने नचिकेता को आत्मा का विज्ञान समझाया था, जिसको आज कठोपनिषद के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत छोटे बस कम शब्दों में मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। जनक जैसे विद्वान ज्ञानवान राजा, उनके मुख्य पुरोहित शतानंद और एक थे बंदी स्वामी। यज्ञ होता रहता था, उनके यहाँ अखंड यज्ञ चलता था प्रतिदिन। और उस यज्ञ में
शास्त्रार्थ होता था। और जो बंदी स्वामी था उसने घोषणा की कि जो मुझसे पराजित हो जाएगा उसको मृत्यु जल में डुबा के उसकी मृत्यु कर दी जाएगी। और ऐसा ही होता था, कितने ही मार दिए ऐसे भी याजक हुए, और वो भी जनक महाराज के समय में। अष्टावक्र के पिता को भी जल समाधि दे दी गई, उनको भी जल में डुबा के मारा। अष्टावक्र को जब पता चला कम उम्र का लड़का था, वो वहां गया और उसने बंदी स्वामी को हराया, शास्त्रार्थ में उसको हराया। बंदी स्वामी ने अपनी पराजय स्वीकार की और उसने कहा मैं जल समाधि लेने को तैयार हूं। अष्टावक्र ने कहा नहीं, मैं तुम्हें जल समाधि नहीं दूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुमने शास्त्र को शस्त्र बना डाला, यज्ञ ज्ञान वेद उपनिषद धर्मशास्त्र ये संसार के हित के लिए हैं, ना कि उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए और मृत्यु प्रदान करने के लिए। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, कृष्ण महाराज जो परम पूजनीय थे उस यज्ञ में उन्होंने पत्तले उठाई, झूठी पत्तले। यानी जो अपने अभिमान का त्याग कर देता है, जो अपने में पूज्य भाव नहीं रखता, पूजनीय होते हुए भी दूसरों के जूते चप्पल साफ कर सकता है, झाड़ू लगा सकता है, झूठे बर्तन मांज सकता है, वो अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। मुंह से बातें बना के तो कोई भी शिक्षा दे सकता है, लेकिन वो शिक्षा स्थायी नहीं होती। हमारे मोदी जी ने आप देखो वाराणसी में सफाई कर्मियों के पैर धुले, एक उन्होंने शिक्षा दी पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को। और राजनीतिक लोग तो कहेंगे इनका तो ये राजनीतिक फंडा है, फंडा तो कहने वाले फंडा भी कहते रहते हैं, और जो हकीकत है एक राजा इतना विनम्र हो कि वो अपने जिसको लोग निम्न से निम्नतर निम्नतम बोलते हैं उसके पैर धो रहा हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बोलो सतगुरुज बाबा फुलसंदे वालों की जय। इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं हो सकती। और मुझे ध्यान आ रहा है वो समय जब श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि आए महाराजा दशरथ का यज्ञ कराने के लिए, पुत्रेष्ठ यज्ञ। श्रृंगी ऋषि महान ऋषि, ब्रह्मा के शिष्य, और वहां यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, स्तंभ गाढ़े जा रहे हैं, बड़ी लकड़ियां आरी से काट रहे हैं। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ मुनि को बुलाया, कहा आप इस कुल के कुल गुरु हैं, आप राजा को कहिए वो इन सब कर्मचारियों की पूजा करे, इनको दान दक्षिणा दे, जो पानी भर रहे हैं, जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो भोजन बना रहे हैं, इनकी आत्मा से जब आशीष निकलेंगे राजा के लिए अंदर से, तब राजा का यज्ञ सफल होगा। और इसी के साथ मुझे वो वार्ता भी याद आ रही है श्रृंगी महाराज के, उनका एक शिष्य था बड़ा नालायक, उस समय में त्रेता काल, और वो शिष्य कौन था, ब्रह्मा जो उनके गुरु थे उनका पुत्र था। हर किसी का अपमान करता रहता था, गुरु का भी और का भी और का भी और का भी, बहुत समझाया बहुत समझाया बहुत समझाया, मान के नहीं दिया। एक दिन श्रृंगी ऋषि को अति क्रोध आया और उन्होंने उसको भस्म कर दिया। ब्रह्मा ने कहा तुमने मेरे पुत्र को भस्म कर दिया, ये तुम्हारा शिष्य था, तुम्हें समझाना चाहिए था। कहा गुरुदेव मैंने बहुत समझाया। बोले नहीं, तुमने ठीक नहीं किया,
तुम्हें अब गुरु का श्राप सहन करना पड़ेगा। कली काल में तुम बुद्धिहीन पुरुष के रूप में जन्म लोगे। बेचारे गरीब परिवार में पैदा हुए कृष्ण दत्त ब्रह्मचारी के रूप में, लेकिन वो ही आत्मा तो वही थी श्रृंगी ऋषि की, और उनके वचन उनके प्रवचन त्रेता युग के वो संवाद, आंखों देखा हाल, शिव क्या कह रहे हैं उस सभा में, बिल्कुल वही उन्हें बता दिया। उस समय की संस्कृत वे मंत्र जो आज के वेद में, कुछ मंत्र तो उनमें से प्राप्त भी नहीं होते। इस तरह उसी परंपरा से हमारे आचार्य गण हैं। हम बार बार उन ऋषि को प्रणाम करते हैं और उनके अनुयायियों को भी प्रणाम करते हैं। बोलो सतपुरुष बाबा पुरुषदेव वालों की जय। और अपना भी सौभाग्य समझते हैं कि उसी परंपरा में कृपा करके उन्होंने हमें भी सम्मिलित कर लिया है। वैदिक उस परंपरा में हम लोग भी अपने को सम्मिलित हुआ पाते हैं और अपने को धन्य भाग्य वाले समझते हैं। एक सौभरी ऋषि राजा का यज्ञ कराने गए। उस राजा की 100 पुत्रियां थी, आसक्त हो गए। राजा ने 100 की 100 उसको दे दी दक्षिणा में, ले जाओ। ऋषि एक पत्नी संभाली नहीं जाती और 100 आ गई तो उसकी क्या दुर्गति हुई होगी, आप सोचो है। एक पत्नी से पीछा छूटना भारी रहता है। कुछ ही दिनों में उन ऋषि सौभरी के प्रेम का भूत उतर के जमीन में गड़ गया और वे उनको छोड़ के भाग गए। 100 पत्नियों को छोड़ के भाग गए, मेरे बस का नहीं। लेकिन ये चीजें आती हैं जीवन में, ऋषियों के जीवन में भी आती हैं। सुना शेप हुए, बात लंबी नहीं होती जा रही, अभी खत्म करने वाला हूँ, आप बेचैन बिल्कुल ना हो। अपन मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है। ये यज्ञ की अग्नि सभी को तपायमान कर रही है और अच्छा है कि इसी बहाने से थोड़ा बहुत हमारा ये समय तप में गिना जा रहा है। सुना शेख यज्ञ होते होते ऐसा समय भी हमारे देश में आया जब पशु बलि नर बलि की प्रथा चालू हो गई। राजा अम्बरीश उन्होंने एक ब्राह्मण का पुत्र खरीद लिया। 5-6 भाई थे, एक था उनमें सुनह शेख, उसकी बलि देने के लिए यज्ञ में उसको उन्होंने खरीद लिया, धन स्वर्ण आदि देके, और उसको यज्ञ स्तूप से बांध दिया गया। जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है उसके अनुसार, और वहां पे यज्ञ करा रहे थे विश्वामित्र। वे किसी दूर के रिश्ते के उस सुना शेप के मामा लगते थे। वो ब्राह्मण पुत्र बोला, मामा ये तुम्हारा यज्ञ है या कतल खाना है, ये तुम यज्ञ करा रहे हो इसका। राजा अम्बरीश का मनुष्यों को कत्ल कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, मुझे बचाओ, किसको अपना जीवन प्रिय नहीं होता। तो उन्होंने उसको खोला यज्ञ स्तूप से, अपने पास बैठा, आज से ये मेरा पुत्र है। विश्वामित्र के आधे शिष्य, हजारों शिष्य थे, आधे गुरु से नाराज होके थू थू करके भाग गए। गुरु बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत गुरु ने बड़ा बुरा करा जो इस यज्ञ को भंग कर दिया। भंग हो गया, एक के प्राण बचा दिए, वो कह रहे भंग हो गया। ये कदम कांड आवश्यक है कि आदमियों को मारो, जानवरों को मारो, ये पुण्य है या पाप है? पाप। ऐसी प्रथा भी बौद्ध काल में हमारे यहां आई और बुद्ध से कहा गया कपिलवस्तु में, तुम्हारे राज्य पे बड़ा भारी संकट है, यज्ञ हो रहा है और इसमें एक भैंसे की बलि दे दी। उसके हाथ में खांडा दे दिया, लो मारो इस भैंसे को। उन्होंने फेंका, नाश होना है हो जाओ,
मैं किसी पशु की बलि नहीं दूंगा, किसी पशु की हत्या मैं नहीं कर सकता। फिर वो बिंबसार के राज्य में गए, वहां भी यही बात। बिंबसार भी कहीं मुर्गी चढ़ा रहे, कहीं कबूतर मार के डाल रहे हैं यज्ञ में, ऐसे हिंसा पूर्वक यज्ञ। ऐसा बुरा समय हमारे देश में आया तो लोगों को यज्ञों से और वेद से नफरत हो गई, वे उसकी आलोचना करने लगे। वेद मार्ग लोगों ने छोड़ दिया, कहते हैं क्यों छोड़ दिया, उसका उत्तर ये है, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं राजा देने लगे, सारा धन ब्राह्मणों पे चला गया। राजा भीम जो हमारे बिजनौर के राजा, उनके साथ भी यही हुआ, सारा धन तो दान दक्षिणा में निकाल दिया उन्होंने, दे दिया। हालांकि दान दक्षिणा सोच समझ के देनी चाहिए राजाओं को, क्योंकि वो धन राजा का नहीं, वो प्रजा का होता है। अकाल पड़ गया, लोग नगर को छोड़ छोड़ के जाने लगे, सारा धन संपदा ब्राह्मणों के पास, पुजारियों के पास, याजकों के पास। राजा ने विनती की, हाथ जोड़े, प्रभु आप भूदेव हैं, पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण, इस मरती हुई प्रजा को बचाइए। बोले हे राजा, उल्टी बाणी ना बोल, ब्राह्मण की जिभ्या में अग्नि होती है तो दूसरों की जिभ्या में कौन सा पानी है, उनमें भी अग्नि है, सब में एक सा है। वे लोभ लालच में पड़ गए और उन्होंने कुछ नहीं दिया। तब राजा ने कहा, इनके खर्चे लायक छोड़ के सैनिकों को कहा, इनसे धन और अन्न लेके प्रजाजनों में बांट दो। ब्राह्मण सब खिलाफ हो गए राजा को, इधर उधर के राजाओं को बुला के आक्रमण करा दिया, राजा खत्म। फिर उसका पुत्र था प्रथु, उसका राज्य बसाया उन्होंने हरियाणा में जाके, जिसको आज प्रथोदक तीर्थ बोलते हैं, पिहोवा बोलते हैं। तो यज्ञ हुए, यज्ञ में, यज्ञ एक पुण्य कर्म है, उसमें जब पाप कर्म होने लगे, काम क्रोध लोभ अभिमान स्वार्थ हिंसा, ये बातें जब आ जाती हैं तो वे किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकते। जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट कोई ना आए, ब्रह्म चिंतन की ज्योति हमेशा तुम्हारे हृदय में लहराए, वो अमृत पुरुष परमात्मा तुम पे अमृत धाराएं बरसाए। जीवन यज्ञ सफल हो तुम्हारा, दुख संकट कोई ना आए। बोलो सतरोज बाबा फुरसंदे वालों की जय। आश्रम में रहने वाले अपने सभी देवताओं का धन्यवाद करता हूँ, रसोई वालों का धन्यवाद करता हूँ, और सब में सभी आगे। बस नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, किस किस का नाम लो, किस किस का छोड़ो, सभी के अथक सहयोग से, बहुत सहयोग सबका प्राप्त हुआ, आप सबका, संगत का। कोई दिल्ली से हैं, कोई कश्मीर से हैं, कोई अलीगढ़ से हैं, कोई बॉम्बे से हैं, तो विदेशों से भी संदेश और उनकी सेवाएं इस यज्ञ के लिए हमें प्राप्त हुई, उन सभी का बहुत 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 आभार धन्यवाद कि वो इस यज्ञ के पुण्य को उन्होंने प्राप्त किया। ये सब पुण्य आपके लिए, आपके लिए। बोलो सतरोज बाबा फुरसंदे वालों की जय। ये सब पुण्य आपको प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में कोई दुख संकट कलेश कभी ना आए, कभी ना आए। उस आदि पुरुष परमात्मा से ऐसी प्रार्थना है।
इसके पश्चात 2 बजे का जो लाइव आप देखते हैं वो तो ऊपर से रिले किया जा रहा है, लगातार प्रतिदिन हो रहा है और आज भी स्टूडियो से ही रिले होगा। इसलिए आप सभी लोग आनंद पूर्वक जा सकते हैं। पहले आनंद पूर्वक इधर घूमें, क्या क्या आपके लिए व्यवस्था है, मैंगो शेक है या क्या है, मैं तो अभी उधर गया नहीं हूँ, आप खुद ही देखें। और जो आपको व्यवस्था में कष्ट हुए हों उनको महसूस न करें, क्योंकि आपकी ही व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था है, कुछ कमियां भी रह जाती हैं, उन पे ध्यान न दें, अपने ध्यान को निरंतर परमात्मा में रखें। प्रेम, परोपकार और परिश्रम, इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाएं। प्रेम, यदि आपका प्रेम है सबसे तो आपको किसी में अवगुण दिखाई नहीं देंगे। मुझे अगर इनसे प्रेम है तो मुझे इनके अंदर कोई अवगुण दिखाई नहीं देगा, चाहे दूसरों को 1000 अवगुण देखे, प्रेम का ये प्रभाव होता है। और यदि मेरे हृदय में चिढ़ है इनसे तो मुझे इनके अंदर एक भी गुण दिखाई नहीं देगा, ये चिढ़ का प्रभाव होता है। अपने जीवन में चिड़ को निकाल के फेंक दें, नहीं तो चिड़ 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 ऐसी आत्मा भी चिड़ 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 करती रहेगी। बिजली का ढीला तार आप बन जाओगे और वो फॉल्ट होता रहेगा, उसमें चिड़ 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 सारा जीवन बेकार हो जाएगा। हृदय में प्रेम को पैदा कीजिए पहले बार। दूसरे, परिश्रम, खाली निकम्मे होके मत बैठे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सेवाएं, गुरु दरबार में भी, बाहर आप जाते हैं वहां भी, अपने घर में भी अवश्य करें। और परोपकार, परोपकार के कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये यज्ञ का जो अनुष्ठान है संपूर्ण हुआ परमेश्वर की कृपा से। उस प्रभु का धन्यवाद, हमारे ऋषि आत्माओं का धन्यवाद, आप सभी लोगों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपके सहयोग से ही ये सब कार्य सफल हुए हैं, मेरा इसमें कुछ क्या है, वो नमम इदम कौन सा है, इदम नमम, एकदम नमन, इसमें मेरा कुछ नहीं, सब आपका ही है, आपके लिए है, आपका। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तो सच्चा, नाम सच्चा, एक तो सच्चा, नाम सच्चा, एक तो सच्चा, नाम सच्चा। जो ठहरना चाहते हैं आनंद पूर्वक ठहरे, जो जाना चाहते हैं आनंद पूर्वक नाचते कूदते हुए जाए। बोलो सतगुरुज बाबा फुरसंदे वालों की जय। बोलो सतगुरुज बाबा फुरसंदे वालों की जय। बोलो सतगुरुज बाबा फुरसंदे वालों की जय। बोलो सतगुरुज बाबा फुरसंदे वालों की जय।